दो साल से तीन साल तक के बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फेज होता है। ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें बच्चों के स्किल्स के डेवलपमेंट होते हैं, मोटर स्किल्स के डेवलपमेंट होते हैं, बच्चों के सेंसरी डेवलपमेंट होते हैं। सो बेसिकली दो साल से लेकर के तीन साल तक के बच्चों के लिए हमें कौन सी ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो करानी चाहिए जिससे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होता है, प्लस बच्चों का मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, बच्चों के सारे सेंसरी डेवलपमेंट्स जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होते हैं। आज मैं आपको वो वीडियो में बताऊँगी। हाय गाइज, व्हाट्स अप, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मॉमी टॉकीज़ के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। हाय, मेरा नाम अमृता है और मैं वीडियोस बनाती हूँ बेबी के टिप्स पे, प्रोडक्ट्स में, मेरे पर्सनल व्लॉग पे एंड फैशन पे। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम इस तरह के वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बनाते रहते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत प्यारे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आइए जल्दी से एक एक करके एक्टिविटीज़ देख लेते हैं जो हम करंटली हमारे बेटे आयांश के लिए करते हैं, उसकी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एंड स्पेशली उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। And the first activity is an amazing activity that is musical interactive book from a brand called Kiddale. These books मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी amazing है, playful हैं, बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा learning जो है वो involved है। यहाँ पे मैं basically two different type of books जो है वो आयांश के लिए use कर रही हूँ। Number one है Kindergarten Play and Learn book, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इन बुक्स के जरिए बच्चों को काफ़ी नॉलेज मिलता है अल्फ़ाबेट्स का, नंबर्स का, शेप्स का, कलर्स का, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, एनिमल्स का, बर्ड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन का। मैं तो ये बुक्स आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। यहाँ पे नंबर टू बुक जो मैं आयांश के लिए यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ अ ट्रिप टू जू। अगैन, एक बहुत ही ग्रेट प्रोडक्ट है, ग्रेट बुक है, जिसमें आप एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वा एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स के बारे में आसानी से सीख सकते हैं। इन बुक्स का जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि इंटरैक्टिव है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब बच्चे अगर अकेले भी पढ़ रहे हैं तो बच्चों को सारे नॉलेज, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बुक के जरिए आसानी से मिल जाते हैं। बच्चों को सिर्फ इमेज पे यहाँ पे हल्का सा प्रेस करना है एंड इमेज पे प्रेस करने के बाद बच्चों को उस इमेज के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो, नॉलेज जो है वो आसानी से मिल सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे यू नो बच्चे काफ़ी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम बच्चों का जो प्ले टाइम है वो भी काफ़ी लर्निंग एंड प्लेफुल बन जाता है। उसके अलावा इस बुक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये आइडियल है फ्रॉम 18 मंथ्स ऑन एंड ये इलेक्ट्रॉनिक बुक है, मतलब आपको बैटरी इंसर्ट करके इस बुक को यूज करना है। ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं, इसको ऑपरेट करना काफी आसान है। यहाँ पे आपको एक पावर बटन मिलता है, पावर बटन को प्रेस करके आप इस बुक को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंडिविजुअल पेज पे जाकर के जिस भी पेज को आपको एक्टिवेट करना है, एक रॉकेट का बटन है, उस पर क्लिक करके आप पेज को यूं इस तरीके से आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको फोर डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। नंबर वन वर्ड्स, मतलब आपके लिए वो पर्टिकुलर वर्ड को रीड करेगा। नंबर टू स्पेलिंग, मतलब जो भी इमेज है उसके स्पेलिंग्स को वो रीड करेंगे। नंबर थ्री इज रीडिंग मोड, मतलब ऑटोमेटिकली इस कंप्लीट पेज को वो रीड करेंगे। एंड नंबर फोर इज द क्विज मोड, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा बच्चों की नॉलेज को एनहांस करने के लिए। तो यहाँ पे आपको पेज एक्टिवेट करने के बाद डेफिनेटली मोड बटन्स को जो है वो सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ इमेज पे यहाँ पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करते ही आपको उस इमेज के बारे में कंप्लीट नॉलेज जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा इस बुक में आपको ड्राइंग पेज मिलता है विद पेन एंड इरेजर, मतलब इसमें लिखना और इरेज करना इसमें काफ़ी आसान हो जाता है। इसमें आपको एक बटन मिलता है जिसमें आपको 10 म्यूजिकल राइम्स मिलते हैं, मतलब बेसिकली काफ़ी प्लेफुल बना देता है। बच्चे म्यूजिक सुनते हुए भी अपना लर्निंग टाइम जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं एंड अगर बच्चों को रीड नहीं करना है तो सिंपली म्यूजिक भी इन्जॉय कर सकते हैं। ये बुक काफ़ी सेफ है, रिलायबल है, कलरफुल पिक्चर्स इनमें इन्वॉल्व है जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एंड जो बेस्ट पार्ट है कि सारी ही एक्टिविटीज़ इसमें बच्चों के लिए एब्सोल्यूट सेफ है, काफी लाइट वेट है, आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं एंड इनमें आपको मोरल स्टोरीज भी मिलती हैं। बच्चों की मोरल स्किल को एनहांस करने के लिए मुझे काफी पसंद आया। इस बुक की ओवरऑल क्वालिटी, पेजेस की क्वालिटी, बुक की क्वालिटी मुझे काफी पसंद आई एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आपको वॉल्यूम का बटन भी मिलता है। तो बेसिकली अपने बच्चों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आप वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हैं। वेल, ये बुक्स मुझे काफी पसंद आया, मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगी। बच्चों में सेल्फ रीडिंग को एनकरेज करने के लिए एंड एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट रीडर बनाने के लिए बुक्स जो है वो काफी मुझे पसंद आए।
सो द वेरी नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं दैट इज डेफिनेटली अ शेप सॉर्टर. ये अमेजिंग एक्टिविटी है जिसमें आप बेसिकली बच्चों के हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो इंक्रीज होती है, बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती हैं, बच्चों की वोकैबुलरी एंड नॉलेज तो डेफिनेटली बढ़ती है बिकॉज दे गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स. तो बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी है विच यू कैन परफॉर्म विद योर 2 to 3 year old बेबी जिसपे उनको बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं एंड एट द सेम टाइम उनका ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा हेल्प हो जाता है. कैन यू गिव मी स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी, थैंक यू सो मच. सो द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी इज डेफिनेटली इंटरेक्शन. इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए. जस्ट लेट देम नो अबाउट ईच एंड एवरी थिंग. घर के सामान के बारे में बताओ, फ्रूट्स, वेजिटेबल, हाउस होल्ड आइटम्स, सोफा, चेयर, डाइनिंग टेबल, स्पीकर, बेड, ईच एंड एवरी थिंग. द मोर यू इंटरेक्ट विद द बेबी उनका डेफिनेटली यू नो जो मेन की स्किल्स है वो डेवलप होते हैं. क्वालिटी सच एज इंडिपेंडेंट, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बच्चों में काफ़ी अच्छी हो जाती है. सो इंटरेक्शन इज द की फॉर इट. इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है. जस्ट कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद द किड, लेट देम नो अबाउट एवरी थिंग एंड दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द किड्स ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एंड दी नेक्स्ट एक्टिविटी इज अ मिरर गेम. मिरर गेम भी बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों के लर्निंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है एंड एट द सेम टाइम बच्चों को एंकरेज करता है बोलने के लिए, स्पीक करने के लिए एंड इसके साथ साथ बच्चों का विजुअल सेंसेस के डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाते हैं. एंड दी नेक्स्ट एक्टिविटी इज अ बिल्डिंग ब्लॉक सेट. ये भी बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है. इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूँगी आप 1 year ऑनवर्ड से आप अपने बच्चों को दे सकते हैं. बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं, बच्चों का फाइन मोटर स्किल्स जो है डेवलप होता है, बच्चे सॉर्टिंग करना सीखते हैं, सॉर्टिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं, बच्चों की इमेजिनेशन इसको यूज़ करने के बाद यू नो काफ़ी बढ़ जाती है. बच्चे बहुत डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी भी जो है वो अच्छी तरीके से बढ़ जाती है. कलरिंग एंड पेंटिंग भी काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है बच्चों के हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए. बच्चों के मोटर स्किल्स यहाँ पे एनहांस होते हैं, बच्चों में स्पेशली हैंड राइटिंग एनहांस होते हैं, बच्चों के हैंड के स्ट्रेंथ बढ़ते हैं जो कि फ्यूचर में भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं एंड एट द सेम टाइम काफ़ी नॉलेजेबल भी होता है, बच्चों के कलर्स की नॉलेज मिलते हैं एंड मैं ये आपको हाईली रिकमेंड करूँगी. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इज़ अ फिज़िकल एक्टिविटी जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. आप इसको किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ घर पे ही. यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने फ्लोर्स पे कुछ नंबर्स को लिख दिए हैं एंड आयांश को नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है. आप यहाँ पे नंबर्स की जगह आप क्या कर सकते हैं, अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, शेप्स लिख सकते हैं, कलर्स लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ यू नो जो आपके लिए कम्फर्टेबल हो आप ऐसे कर सकते हैं जिससे बच्चों की बोन्स के, मसल्स के, हार्ट के, लंग्स के भी एक्सरसाइज होते हैं एंड एट द सेम टाइम बच्चों की लर्निंग भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव होती है. सो गाइज, ये थे वो सारे एक्टिविटीज़ जो हम करेंटली हमारे बेटे आयांश के साथ करते हैं स्पेशली उसके ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एंड स्पेशली उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए. मेरा बेटा आयांश इनको बहुत एंजॉय करता है एंड एक्टिविटीज़ के साथ साथ उसकी काफ़ी अच्छी लर्निंग जो है वो हो जाती है. स्पेशली किडेल ब्रांड की लर्निंग इंटरैक्टिव बुक्स जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आए, मैं उनको हाईली रिकमेंड करूँगी. काफ़ी एंगेजिंग है, टू वे कम्युनिकेशन उसमें होता है जिसमें अगर बच्चे अकेले भी बुक के साथ खेलते हैं तो काफ़ी एंजॉय करते हैं एंड एट द सेम टाइम बच्चों की लर्निंग जो है वो यहाँ पे बनी रहती है. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको खरीदना होगा तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे क्लिक करके इनको खरीद सकते हैं. सो गाइज, ये था आज का वीडियो, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जो हम करेंटली हमारे बेटे आयांश के साथ करते हैं. इनमें से कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ भी हैं जो करंट वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाई बट आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके साथ कवर ज़रूर करूँगी. आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. एंड दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम इसी तरह की वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बनाते रहते हैं. तो इसी के साथ दोस्तों, मैं अमिता आज का वीडियो खत्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स के साथ. तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी पेरेंटिंग एंड बाय बाय.